नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं धर्मेंद्र शाह, LIC इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही दमदार और ज़बरदस्त होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बता दें जो टॉपिक का नाम है कि कैसे हम बड़ा पॉलिसी सेल कर सकते हैं और एक बड़ा इनकम जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, कभी आपने अपने आप से क्वेश्चन पूछा है क्या? पूछा है क्या कभी? क्यों नहीं हम कभी ब्रांच में नंबर वन आते हैं? क्यों नहीं हम ज़्यादा इनकम ग्रोथ कर पाते हैं? क्यों नहीं हमारे पास अपना गाड़ी? क्यों नहीं है अपना घर अपने पास? क्यों नहीं हम अपने लाइफ में एक बहुत ही बड़ा और कुछ डिफरेंट कर पाते हैं? तो दोस्तों, आज की टॉपिक इसी विषय पे है। दोस्तों, होता क्या है, जो हमारा जो थिंकिंग का लेवल है ना, बहुत ही डाउन है, बहुत ही डाउन है। क्या रीजन है दोस्तों? ऊंचा वही उठता है जिसकी सोच ऊंची होती है, और जिसकी सोच नीची रहती है वो नीचे ही रहता है। तो दोस्तों, हमारे इस प्रोफेशन में बहुत सारे विक्रेता भाई हैं जिनकी पोजीशंस बहुत ही लेवल जो है बहुत ही ऊपर है, और जो काफ़ी विक्रेता भाई हैं जिनका लेवल बहुत ही डाउन है। दोस्तों, मैं बात करूं तो समथिंग जो हमारे इंडस्ट्रीज़ में जो हमारे अभिकर्ता भाई हैं, उसमें से केवल जो 10% से 20% जो भी हमारे जो एडवाइज़र है वही इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, और जो उनका जो अर्निंग लेवल है बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों, वो उनके दिमाग में एक सोच है कि हमें एक बड़ा बीमा सेल्स करना है। उनका बात ही करने का तरीका अलग है, वो छोटे बीमे पे जाते ही नहीं है। उनकी जो सोचने की शक्ति है ना, करोड़ों में है, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, जबकि हमारी जो थिंकिंग है 1 लाख का सम छोड़, 2 लाख का सम छोड़, 5 लाख का सम छोड़। दोस्तों, हमें उस लेवल को चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों, जब तक इस हम लेवल को चेंज नहीं करते हैं, तब तक हम इस इंडस्ट्रीज में कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, क्यों ना हम कुछ डिफरेंट करें? जब हम इस इंडस्ट्रीज में आए गए हैं, क्यों ना हम दूसरों से डिफरेंट करें? क्यों ना हम ज़्यादा पैसा अर्न करें? कर सकते हैं, हमारे अंदर कैपेबिलिटी है। उसके अंदर कैपेबिलिटी है तो हमारे अंदर भी कैपेबिलिटी है। वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। वो 1 करोड़ की पॉलिसी सेल कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते यार? वो LIC से 1 करोड़ अर्न करता है तो हम भी कर सकते हैं। उसके पास महंगी गाड़ियाँ हैं तो हमारे पास भी गाड़ियाँ हो सकती हैं। इसके पीछे अपनी जो थिंकिंग लेवल को थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। जैसे बड़े एजेंट करते हैं वैसे हमें करना पड़ेगा। हमें सबसे बड़ी चीज़ है, हमें एजुकेशन की बहुत ही आवश्यक है, ट्रेनिंग की बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, ये होता क्या है, हमें जो भी ट्रेनिंग सेक्शन मिलती है या जो भी प्राइवेट ट्रेनिंग सेक्शन है, उसमें हमें पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें सीखते रहना चाहिए। क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हमारा जो सोचने की शक्ति है वो बढ़ेगी नहीं। तो हमारी जो मेन पर्पस है कि हमें थोड़ा सा ट्रेनिंग सेक्शंस में ज्वाइनिंग करना चाहिए। और दोस्तों, जो भी क्लाइंट आपके साथ है, जिसे भी आप पॉलिसी सेल्स करना चाहते हैं, उसके सामने जब भी डिस्कस करते हैं, सबसे पहले उसका इनकम जान लें। इनकम 50,000 रुपये है तो उसके लेवल का समझें। 50,000 रुपये का 10,000 रुपये आसानी से मंथली प्रीमियम पे कर सकता है, 15,000 पे कर सकता है, 20,000 पे कर सकता है। अगर उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो उसका 30% आसानी से वो प्रीमियम में पे कर सकता है, 40% पे कर सकता है। जिसकी 5 लाख है वो मंथली 1 लाख रुपए तक कर सकता है। तो दोस्तों, जब तक हम करोड़ों में बात नहीं करेंगे, तब तक हम बड़ा बीमा सेल नहीं कर सकते। हमें अपने जो लेवल है ना, वो इंक्रीज करना पड़ेगा, अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर देना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। वो हमारे जो बड़े लेवल के एजेंट जो एडवाइज़र हैं, उनकी इनकम 10-4 करोड़ है, 5 करोड़ है, और हमारी इनकम 50,000 भी नहीं है यार। बहुत ही शर्म की बात है। या जब हम इस बिज़नेस प्रोफेशन में आ ही गए हैं तो हमें भी तो कुछ डिफरेंस करना चाहिए। हमारे पास भी तो सब कुछ होना चाहिए, महंगी गाड़ियाँ होनी चाहिए, हमारे पास घर होना चाहिए, हमारी भी इनकम करोड़ों में होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही था कि हमारे काफ़ी विक्रेता भाई अभी तक सोए हुए हैं, जाग जाइए दोस्तों, मार्केट में कोशिश करिए, निकलिए। दोस्तों, सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारे पास कुछ हथियार होना ज़रूरी है,
कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। जब हम मार्केट में निकलेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं होगा, तो मार्केट में प्रोडक्ट कैसे सेल कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा ब्रोशर होना चाहिए जो करोड़पति प्लान होना चाहिए, लखपति प्लान, 50 लाख का पॉलिसी पॉलिसी होल्डर को मिले, ऐसे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो दोस्तों आजकल मार्केट में बहुत ही डिमांड है, और सबसे बड़ी चीज़ है LIC छोटी मोटी कोई संस्था नहीं है, प्राइवेट कंपनियों और LIC में बहुत ही डिफरेंस है। LIC में सब फेद करते हैं, आपको इतनी हार्ड वर्क करने की आवश्यकता नहीं है जितनी प्राइवेट कंपनियों करनी पड़ती है। LIC में तो आँख बंद करके लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट हमें मार्केट में निकलना पड़ेगा, पॉलिसी आसानी से सेल हो सकती है। जब तक हम मार्केट में निकलते ही नहीं हैं तब तक हम पॉलिसी कैसे सेल कर सकते हैं। दोस्तों कॉन्सेप्ट आपका होना चाहिए बहुत ही लेवल, जिसका लेवल हाई हो, मिनिमम प्रीमियम 10,000 रुपये पर मंथ, 20,000 रुपये पर मंथ, 30,000 रुपये पर मंथ, 15,000 रुपये पर मंथ। दोस्तों देखिए प्रीमियम का लेवल इंक्रीज करना पड़ेगा, प्रीमियम का लेवल इंक्रीज करेंगे तभी हमें ज़्यादा अर्निंग हो सकती है, और आसानी से MDRT, COT, TOT आसानी से अचीव कर सकते हैं। हमें कुछ ये विचार मन में लाना पड़ेगा, अपने थिंकिंग लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि जो हमारे टॉप के अभिकर्ता भाई हैं, जैसे वो पैसा अर्न करते हैं, जैसे अर्न कमीशन करते हैं और इंडिया में नंबर 1 रहते हैं, वो भी यही करते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जब हम इस प्रोफेशन में आ गए हैं, इससे अच्छा प्रोफेशन हमें मिल नहीं सकता है। हमारी जो किस्मत है कि हम इस प्रोफेशन में हैं, जब आने के बाद हमें पता चलता है कि प्रोफेशन में कितना दम है और इतना रिस्पेक्ट है और कहीं नहीं है। जॉब में क्या है दोस्तों, दोस्तों जब आप इस फील्ड में आ गए हैं तो आपको मुझे कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं, आप अच्छी तरह भली भांति जानते ही हैं कि LIC संस्था और अदर संस्था में कितना डिफरेंस है। मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा संस्था है, इससे अच्छा संस्था, इससे अच्छा कॉरपोरेशन आपको नहीं मिल सकता, इतना अच्छा जॉब नहीं मिल सकता, ठीक है ना। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जब हम इस प्रोफेशन में आए हैं ना तो कुछ हमें डिफरेंट करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ डिफरेंट करना चाहिए। मेहनत करिए, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए आपके पास, कोशिश करिए अपने आप से कॉन्सेप्ट बनाने की, और ताकि कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप आज मेरा गला ठीक नहीं है तो वीडियो को अंत करते हैं दोस्तों। फिर भी आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।